आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। कुरान ने कहा था कि हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया, तो जितने लोग दुनिया में कहीं पर भी हैं वो एक माता पिता की संतान है, हमारा खून है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही, ऐसा नहीं। इससे काम नहीं चलेगा कि हर एक ये समझे कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हमारी ही चीजें ठीक है। जहाँ जिन चीजों के अंदर कहीं कुछ गलती होगी तो उस गलती को मान लें, ये गलती हो गई लेकिन ये असल धर्म नहीं है, और जहाँ कोई अच्छी बात मिले उसे ले लें। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा। तो हमने जो शुरुआत की है वो सोशल अलायंस की और सामाजिक रिश्ते बनाने की शुरुआत की, तो बात तो ये है कि वो दिल एक हो जाने चाहिए, वो मन एक हो जाने चाहिए सारी मानवता के लिए, और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्वगुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो सत पर आना है। इस स्पिरिट के साथ अगर बैठकर हम इस आधे ग्रंथ और अंधे पुराण का अध्ययन करें तो फिर बहुत सी चीजें जो है वो निखर कर सामने आ जाएंगी, और ये नफरतें भी खत्म हो जाएंगी। तब वो स्टेज आएगी जब भारत विश्वगुरु बन सकेगा।